Hello everyone, welcome to Vaishnavi Education. Today in this particular video, I will be discussing about the upcoming UGC-NET examination forms. So most of the people already know that the forms are already out for upcoming UGC-NET, jo aapka exam hoga 2020 June mein aapka ye exam conduct hoga, aur NTA dates aur iska notification already release kar diya hai. तो कब से आपके फॉर्म भरे जाने हैं, कौन सी लास्ट डेट्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, और ये जो नोटिफिकेशन मैं आपके सामने रीड कर रही हूँ ये आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी. सो लेट्स बिगिन विद द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट्स. ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, आपके जो एग्जामिनेशन फॉर्म्स आ चुके हैं वो 16 मार्च से रिलीज हो चुके हैं, 16 मार्च और 16 अप्रैल, मतलब एक महीना आपको मिलता है इसको भरने के लिए. 16 अप्रैल तक आप अपना फॉर्म भर सकते हो, शाम को 11:50 तक, ओके 11:50 PM तक आपके फॉर्म्स एक्सेप्ट किए जाएंगे. और आप इसकी जो फीस है जो कि जर्नल कैटेगरी के लिए 1000 रुपये है, 1000 रुपीज, और EWS दैट इज इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, और OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए ये 500 रुपये है. SC ST एंड PWD जो आपके कैंडिडेट्स हैं या फिर ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये 250 रुपीज है, ओके. तो ये जो फीस आपके सामने है अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी, ये आप फुल दे सकते हो, फुल जो फिल कर सकते हैं फॉर्म वो 16 तक है, लेकिन जो आपका जो फीस की पेमेंट आप कर सकते हो 17 अप्रैल तक. इसके बाद जब आप फॉर्म भर देते हो तो मैनी टाइम्स कुछ गलतियां हो जाती है अगर आपके फॉर्म में, तो पहले तो आप फॉर्म को भरे स्टेप बाय स्टेप अच्छे से पढ़ के सारे इंस्ट्रक्शंस जब आप अपने फॉर्म भरिए, ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो, इन्फॉर्मेशन सारी करेक्ट रखिए. लेकिन UGC आपको एक मौका देता है कि इन केस आपका कोई एग्जाम में कुछ गलती हो गई है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है या कुछ भी, तो उसका आप करेक्शन कर सकते हो 18 अप्रैल से लेके 24 अप्रैल तक. 17 तक आपकी फीस पेमेंट हो जाएगी, उसके बाद पोर्टल वापस से ओपन होता है और 18 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच में आप फीस पेमेंट कर सकते हो. फिर आपके नेक्स्ट स्टेप होता है, आपका एडमिट कार्ड आता है तो 15 मई को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा. एंड मेक श्योर दैट NTA इज वेरी स्पेसिफिक अबाउट ऑल द डेट्स एंड द क्राइटेरिया. तो अगर इन्होंने मेंशन किया है 15 मई में आ जाएगा, तो 15 मई में आपका जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा. उसके बाद 15 जून और 20 जून के बीच में, 15 जून 2020 to 20 जून 2020 के बीच में आपका एग्जाम होगा, आपके एग्जाम्स कंडक्ट होंगे. आपकी डेट 15 भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है, 17 भी हो सकती है, 18 भी हो सकती है, 19 भी हो सकती है. मेक श्योर कि इसमें संडे, वैसे संडे में भी कंडक्ट हो जाता है एग्जाम, तो ये जो 5 दिन आपको मिलेंगे इन्हीं में से किसी में डेट में आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम होगा. एग्जाम की जो ड्यूरेशन होती है वो 3 घंटे की होती है, 180 मिनट्स आपको मिलते हैं, और कोई ब्रेक नहीं होता पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में. पेपर 1 होता है पहले आपका, जिसमें आपको 1 घंटा मिलता है 60 मिनट्स, एंड देन जो बाकी के 2 घंटे हैं वो पेपर 2 के लिए, जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर होता है, उसके लिए आपको 2 घंटे मिलते हैं बाद के. एग्जाम आपका 2 शिफ्ट में होगा, फर्स्ट शिफ्ट आपकी होगी 9:30 to 12:30 एंड सेकेंड शिफ्ट होगी 2:30 to 5:30. पहली शिफ्ट में भी हो सकता है आपका एग्जाम और सेकेंड शिफ्ट में भी हो सकता है. एंड जो आपके एग्जाम सेंटर्स होते हैं, तो इसके लिए आपको मैं नीचे भी इंफॉर्मेशन सारी गिवन है कि आपको 4 ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं. ऑनलाइन होता है आपका पेपर, ये ऑनलाइन ही आपका फॉर्म भरा जाएगा, ऑफलाइन आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होता है, ऑनलाइन ही भरना है आपको फॉर्म. और जो इसके सेंटर्स हैं वो भी आप 4 चूज करोगे, 4 सेंटर्स यू पीपल नीड टू चूज व्हेन यू फिलिंग दी फॉर्म्स. वहां पे आपको 4 सेंटर्स के ऑप्शंस मिलेंगे, तो आप उसमें से अकॉर्डिंगली अपने सेंटर्स चूज कर सकते हो. आंसर कीज आपकी, जब ये सब बात की इंफॉर्मेशन है, वैसे जब आप फॉर्म एग्जाम अपना दे देते हो उसके बाद कुछ टाइम बाद NTA नोटिफिकेशन के साथ आंसर कीज रिलीज करता है, जिसके बेसिस पे आपकी फिर आगे मेरिट बनती है.
ओके तो ये स्पेसिफिक साइट है www.nta.ac.in एंड सेकेंड वन इज UGC-NET.NTA.NIC.IN. इन पे जब आप जाते हो, इन दोनों साइट्स पे जब आप जाओगे तो यू विल गेट टू नो ऑल द डिटेल्स एंड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर एग्जाम और वहीं से ही आप अपना फॉर्म भी भरते हो. ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है ये सीधे NTA की साइट पे आपको मिल जाएगा, UGC-NET की साइट पे भी आपको ये मिलेगा. ओके, जो आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन है वो आपका 5 जुलाई तक हो जाएगा. तो आप खुद ही देख लीजिए, 20 जून तक आपका एग्जामिनेशन फॉर्म एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे 15 जून से 20 जून तक. उसके जस्ट बाद आपकी आंसर कीज आती हैं एंड देन बाय 5 जुलाई दे रिलीज योर रिजल्ट एज वेल. तो ये सारी इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए. यहाँ पे इन्होंने बताया है, जो सेकंड पॉइंट है, कि आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन ही भरा जाएगा, ऑफलाइन मोड में कोई भी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं. ये कुछ इंस्ट्रक्शन है जो आपको पढ़ने हैं स्टेप बाय स्टेप. ये इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब आप देख लें. फोटोग्राफ जो है वो आपको 10 KB से 200 KB तक का आपका जो फोटोग्राफ है वो होना चाहिए. जो आप वहाँ पे स्कैन कॉपी ऑफ योर फोटोग्राफ इज अपलोडेड इन योर एप्लीकेशन फॉर्म. ओके, एंड जो सिग्नेचर का साइज होगा आपकी फाइल का, जो आप सिग्नेचर करते हो उसकी भी स्कैन कॉपी अपलोड होती है 4 KB से लेके 30 KB तक का. ठीक है, और कौन से फॉर्मेट में, JPEG और JPG एंड JPEG. ओके, स्टेप 4, यहाँ पे कुछ पेमेंट मोड दिए हैं. तो ये पेमेंट मोड्स हैं, जैसे कि आप अपना जो पैसे हैं, जो आपकी फीस है ऑनलाइन एप्लीकेशन फी फॉर योर एग्जामिनेशन, वो आपको जो यहाँ पे देनी होती है, पे करनी होती है. और जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पे ये है कि आप एक ईमेल आईडी आपको अपनी बनानी होगी, यूनिक ईमेल आईडी आपकी जो होती है, और आपका मोबाइल नंबर जिसके थ्रू आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे. उसके बाद जिस ईमेल आईडी को आपने वहाँ पे डाला है या फिर मोबाइल नंबर अगर आपने डाला है, तो आपके उस मोबाइल नंबर पे SMS के थ्रू या फिर ईमेल आईडी पे भी मेल के थ्रू आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन नंबर मिलता है. आपको जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर होता है, वो आपको काफी इंपॉर्टेंट है आपका वो एप्लीकेशन नंबर. तो उसको आप अच्छे से रखें, उसका स्क्रीनशॉट सेव कर लें या फिर कहीं पर लिख लें उसको, या फिर मेल को आप सेव कर सकते हो, क्योंकि एप्लीकेशन नंबर आपके पास चाहिए होगा जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे, फिर आप अपना जो रोल नंबर सॉरी आप अपना रिजल्ट देखोगे तो उस टाइम पे भी आपको एप्लीकेशन नंबर चाहिए होता है. पासवर्ड भी जो आप डालोगे उसको आप अच्छे से याद रखें, ऐसे ही रैंडम कोई पासवर्ड ना डालें, जो पासवर्ड आपको याद हो वही पासवर्ड आप डालें. ये काफी इंपॉर्टेंट सी कुछ इंफॉर्मेशन थी. ओके, एक और चीज जो काफी कंफ्यूजन क्रिएट करती है एग्जाम फॉर्म को भरते टाइम, एक तो आप अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से डालें देख करके कि आप कौन से सब्जेक्ट में देना चाहते हो, जो कि आपका पेपर 2 होगा. ओके, तो स्पेसिफिकली इफ आई से मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए 17 होता है कोड, 017, एंड फॉर लेबर लॉ स्टूडेंट्स इट्स 0.055. सेम वे 008 इज फॉर द कॉमर्स पीपल. तो ऐसे ही आपको बहुत स्पेसिफिक होना है अपने कोड के लिए, अपने सब्जेक्ट कोड के लिए, तो आप अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से डालेंगे. ये भी इंफॉर्मेशन कुछ इंपॉर्टेंट सी है कि पेपर 1 आपका कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है, और इसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 मिलते हैं. 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स. MCQ के फॉर्मेट में ही आपको क्वेश्चंस करने होते हैं और इसके लिए आपको 1 घंटा मिलता है. फर्स्ट 1 आवर इज फॉर पेपर 1. पेपर 2 में आपको 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और इसमें आपको 100 क्वेश्चंस मिलते हैं जो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं. अगेन ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स और ये सब्जेक्ट रिलेटेड होता है आपका, स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड, और इसके लिए आपको 2 घंटे मिलते हैं. 180 आवर्स इन टोटल मिलते हैं आपको. तो ऐसे इन्होंने कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया है कि फर्स्ट हाफ में, मतलब फर्स्ट 1 आवर में ही आप सिर्फ पेपर 1 अटेम्प्ट कर सकते हो और बाकी के 2 घंटे आपको पेपर 2 पे मिलेंगे, ऐसा नहीं है. आप चाहे तो पेपर 2 के टाइम में भी
पीछे से जाके आप अपने पेपर वन के कुछ क्वेश्चंस अगर आप करना देखना चाहते हैं तो आप वो देख सकते हो, ऐसा कुछ इनका रहता है सिस्टम। ओके, तो 180 मिनट्स आपको मिलेंगे अपने पेपर को सॉल्व करने के लिए, जो कि मोर देन इनफ हो जाते हैं। ओके, एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी इंफॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए। ओके, ये मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ कि आपको एनटीए की साइट पे कैसे जाके ये इन्फॉर्मेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप ये यूजीसी नेट एनटीए नेट भी डालोगे तो भी आपको ये खुल जाएगा। वैसे वहाँ पे वेबसाइट्स पे दिया, वेबसाइट दी हुई है इन्फॉर्मेशन, जो नोटिफिकेशन मैं रीड कर रही थी। तो ये जो पहला आपका लिंक है आप इस पे चले जाइएगा, तो जब आप इसे खोलोगे तो यहाँ पे देखिए ये साइट खुल गई है यूजीसी एनटीए जून 2020। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, ये करंट इवेंट्स में जाके आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यूजीसी नेट ये खोलोगे आप, तो यहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और रीड भी कर सकते हो। जो भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये सब आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो ये सेम नोटिफिकेशन है जो मैं आपके सामने अभी रीड कर रही थी। तो ये काफी 70 पेजेस की पीडीएफ है, इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लें और अपने एग्जाम के फॉर्म को भरें। इसमें सब कुछ ही इम्पोर्टेंट जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सब कुछ इसमें आपको दिया हुआ है। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हो मुझसे इन माय ग्रुप। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अगेन।